हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक एक करके ओप्पो और रियलमी स्मार्टफोन्स में कलर ओएस 12 और रियलमी यूआई 3 का अपडेट आना स्टार्ट हो चुका है। और आपको पता ही होगा, असल में ये दोनों यूआई सेम है और ये दोनों ही यूआई जो है कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आते हैं। बट आज मैं आप लोगों को मेरे 7 फेवरेट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ इन दोनों यूआई से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू इट। YouTube में म्यूजिक प्ले करते टाइम YouTube को ओपन रखना पड़ता है, बैकग्राउंड में प्ले करने के लिए YouTube प्रीमियम बाय करना पड़ता है। बट Realme UI 3 और ColorOS 12 में चाहे किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में वीडियो स्ट्रीम करते टाइम साइड बार को पुल करते हो तो यहाँ पर बैकग्राउंड स्ट्रीम ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर टैप करके आप बैकग्राउंड में वीडियोज को प्ले कर पाओगे। अगर ये फीचर आपके फ़ोन में शो नहीं हो रहा है तो साइड बार में एडिट पर टैप करो, देन यहाँ पर गियर आइकन है यहाँ पर टैप करो और स्मार्ट रिकमेंडेशंस को इनेबल करो। आपको एक और इंटरेस्टिंग फीचर बताऊं, इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करने पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। जब भी हम गैलरी से कोई पिक्चर या फिर वीडियो शेयर करते हैं तो उसके साथ लोकेशन भी शेयर होता है। बट अब आप सेटिंग्स पे जाके रिमूव पर्सनल डेटा के अंदर रिमूव लोकेशन और रिमूव अदर प्रॉपर्टीज को इनेबल करते हो तो फोटोज को शेयर करने से पहले लोकेशन और अदर डेटाज रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट फीचर भी फोटोज ऐप से ही है। ColorOS और Realme UI में अदर सभी UI से ओपोजिट रिसेंट फोटोज और वीडियोज जो हैं नीचे शो होती हैं, बट ColorOS 12 और Realme UI 3 में आप इसे कस्टमाइज कर पाओगे। सेटिंग्स के अंदर न्यूएस्ट एट टॉप और न्यूएस्ट एट बॉटम कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये फीचर सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं Realme UI और MIUI दोनों को यूज करता हूँ। पहले इन दोनों UI में किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो या फिर मिनी विंडो में ओपन करने के लिए रिसेंट ऐप से फ्लोटिंग विंडो या फिर मिनी विंडो ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता था। बट अब ColorOS 12 और Realme UI 3 में सपोर्टेड ऐप्स को डायरेक्टली इस तरह से आप ड्रैग करके फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर पाओगे। साथ में अब आप विंडो को रिसाइज भी कर सकते हो और किसी भी एज में इस तरह से प्लेस भी कर सकते हो। साथ में मेन ऐप से फ्लोटिंग विंडो में फाइल को आप ड्रैग करके पेस्ट कर सकते हो। ColorOS 12 और Realme UI 3 के साथ Android 12 भी मिल जाता है तो यहाँ Android 12 की फीचर्स भी मिल जाती हैं। अब आप कोई भी ऐप ओपन करते हो और वो ऐप अगर कैमरा या फिर माइक एक्सेस कर रहा हो तो ऊपर ग्रीन और रेड डॉट से पता चल जाता है कि वो ऐप कैमरा या फिर माइक यूज कर रहा है। साथ में आप क्विक टॉगल में से कैमरा और माइक एक्सेस को ऑफ भी कर सकते हो जिससे बैकग्राउंड में कोई भी ऐप इन दोनों को यूज नहीं कर पाएगा। अगर आप कैमरा एक्सेस को ऑफ करते हो तो इवन यहाँ पर कैमरा ऐप भी जो है ओपन नहीं होता। बस इतना ही नहीं, सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी सेक्शन में प्राइवेसी डैशबोर्ड है जहां पर आपको डिटेल में पता चल जाएगा कब कब कौन कौन सी ऐप्स कैमरा और माइक को यूज किए हैं। नेक्स्ट फीचर है वॉलपेपर कलर पिकिंग। आप जो भी वॉलपेपर अप्लाई करते हो उस वॉलपेपर से कलर्स पिक होके होल यूआई में अप्लाई हो जाते हैं और आप पर्सनलाइजेशंस के अंदर कलर्स पे जाके वॉलपेपर कलर पिकिंग के अंदर मैन्युअली भी कलर्स को पिक कर पाओगे। ये कलर्स क्विक टॉगल्स सेटिंग्स और सभी सिस्टम ऐप्स के अंदर अप्लाई हो जाती हैं जो कि बहुत ही कूल लगता है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है गूगल ट्रांसलेट शॉर्टकट ऑन साइड बार। अब आप किसी भी ऐप के अंदर किसी भी पेज को साइड बार ओपन करके स्क्रीन ट्रांसलेट पर टैप करके ट्रांसलेट कर पाओगे जो कि सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। ब्लैक होल अनुसरण करना, सीधे शब्दों में कहें तो यह बाहरी अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ भी नहीं,
यहाँ तक प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण। तो फ्रेंड्स ये थे 7 बेस्ट फीचर ColorOS 12 और Realme UI 3 से। अगर आप Realme UI 3 या फिर ColorOS 12 यूज करते हो तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों UIs के कौन सी फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग out.